कुछ लोग पैसे कमाने के लिए अन्य राज्यों में जाकर पार्ट टाइम नौकरी कर 12 घंटे काम करते हैं, तो जिससे वह दिन भर में मजदूरी कर 500 रुपये डेली और महीने के लगभग 15,000 रुपये तक कमा पाते हैं। इसके अतिरिक्त खाने पीने के खर्च के बाद आपके पास केवल 7,000 से 8,000 रुपये बचते होंगे, जो अपने परिवार की स्थिति देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। इसलिए आपके लिए एक छोटा व्यापार बिजनेस लेकर आए हैं, जिसमें आपको केवल रोज़ाना 2 से 3 घंटे काम करना होता है और इससे आप हर महीने के 50,000 से 70,000 रुपये तक कमा सकते हैं। स्मॉल बिजनेस आइडिया क्या है और कैसे करना है, सभी जानकारी देंगे आगे की वीडियो में, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो वीडियो कौन सा है, बिजनेस कौन सा है। जिस स्मॉल बिजनेस के आइडिया की बात कर रहे हैं, वह बहुत ही रोचक बिजनेस आइडिया है। सिर्फ 10 से 12,000 रुपये का निवेश करके आप महीने का 50 से 70,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं, जिसमें बड़ी रकम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे काम करने की आवश्यकता होती है, जो कि प्राइवेट कंपनियां में दिन रात काम करने के बाद मुकाबले काफ़ी कम है। इससे इसका अच्छा पहलू है कि आपको अपने व्यापार के मालिक बनने का मौका मिलता है, जिससे आप अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इसके साथ ही आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता भी मिलती है। इस नए बिजनेस आइडिया को ध्यान से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपकी विचारशीलता और विस्तार से समझने की क्षमता आपके बिजनेस को सफलता में मदद कर सकती है। नाश्ते की दुकान का आइडिया शुरू करना पैसे कमाने का अच्छा विकल्प है। यह उचित निवेश और मेहनत से आपको अच्छा मुनाफा दिला सकता है। यदि हम इससे विस्तार में से देखो तो आपको नाश्ते की दुकान खोलने के लिए विभिन्न पहलुओं का ध्यान देना होगा। आपको सही जगह पर खुद की प्रमोट करने के लिए ध्यान देना होगा, जैसे कि स्थान, मेनू, मार्केटिंग आदि। आप सुबह में एक नाश्ते की दुकान खोलकर और शाम में मोमोज की दुकान शुरू करके हर महीना 50 से 70,000 रुपये तक कमा सकते हैं। यह आपके लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर हो सकता है, जिससे आप अपने करियर की दिशा बदल सकते हैं। बाज़ार में की गई अनुसंधान के आधार पर यह परिस्थिति की है। फास्ट फूड व्यापार का बड़ा मांग है। लोग रोज़ चाय और अन्य फास्ट फूड आइटम बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि आप प्राइवेट कंपनी में काम करने की जगह छोड़कर अपना व्यापार शुरू करते हैं, तो आपको स्वाधीनता और स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं, जो कि सिर्फ 500 से 800 रुपये की रोजी रोटी से नहीं मिलता। इससे आप अपने जीवन को कुछ हफ्ते में ही पूरी तरह से बदल सकते हैं। अधिकांश लोग अधिक निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती है। इस वीडियो में आपको 2 विभिन्न व्यापारी विकल्प दिए हैं, जिसमें से पहला है नाश्ते की दुकान खोलना। इस उद्योग में आपको केवल 10,000 रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि आप इसे चुनते हैं तो आप सुबह के शाम में नाश्ते की आपूर्ति करके 50 से 70,000 रुपये की मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा विकल्प है शाम को मोमोज की दुकान को खोलना, जिसमें आपको सिर्फ 10,000 रुपये की निवेश करनी होगी। इस उद्योग में भी आपको सुबह के समय में काम करना होगा, लेकिन यह आपको सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे भी अच्छा मुनाफा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रकार आपको दोनों विकल्पों में से एक का चयन करके 10,000 रुपये का निवेश करके साथ एक सकारात्मक व्यापार शुरू करने का मौका मिलता है, जिससे आप समय के साथ साथ अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
इसके अलावा और ऐसे बिजनेस आइडिया की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।